नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोक नगर। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र बदौलिया। हम अशोक नगर शहर या अशोक नगर ज़िले से जुड़े लोगों को अक्सर आपके साथ मिलाते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने इस शहर के लिए कुछ किया है या इस शहर से निकलकर जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। आपने अक्सर कई सारे ऐसे लोगों के साथ अशोक नगर की बातें सुनी होंगी, उनके बारे में सुना होगा। आज एक बहुत ही ग्लैमरस पर्सनालिटी को साथ हम आपके साथ में हाजिर हैं। एक ऐसा चेहरा जिसको न केवल अशोक नगर देखता है बल्कि पूरा देश उसको देख रहा है, घर घर में उसकी पहचान बनी है। अशोक नगर से निकलकर माया नगरी में जिसने अपने मुकाम बनाया है और बीते 9 साल में छोटे पर्दे पर या टीवी के द्वारा जिसने घर घर में अपनी दस्तक दे दी है और उस दस्तक के साथ अशोक नगर को भी पूरी दुनिया में और पूरे देश भर में पहुँचाया है, उसके साथ में आज हैं। पूरी विस्तार के साथ उनके साथ चर्चा होगी और आपको बताएंगे कि अशोक नगर के बारे में क्या सोचती हैं, अपने घर के बारे में उनका क्या कहना है, करियर को लेकर क्या तैयारियां हैं, अब तक का काम कैसा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर वो आपके साथ में होंगी। उनका एक विशेष इंटरव्यू हम लेकर आए हैं। जी हाँ, आप सब समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कृतिका कामरा की। तो टेलीविज़न की इंडस्ट्री में अब ये नाम कोई पहचान का मोहताज नहीं है। करीब 9 वर्ष में इस नाम ने इतने सारे शोज और इतने सारे कार्यक्रम किए हैं कि अब वो एक अहम हिस्सा इस इंडस्ट्रीज का बन गई हैं और धीरे धीरे शुरुआत करने के बाद आज एक मुकम्मल मुकाम पर हैं और इस मुकाम में वो चंद्रकांता जैसे महत्वपूर्ण सीरियल में लीड रोल निभा रही हैं। कृतिका कामरा को अशोक नगर के लोग इस तरह से जानते हैं कि उनके पिता श्री आनंदपुर ट्रस्ट द्वारा संचालित सुखपुर अस्पताल में दंत चिकित्सक हैं और न केवल अशोक नगर बल्कि आसपास के ज़िलों में बड़ी ही प्रसिद्धि उनकी है। साथ ही ज़िले के सबसे बेहतरीन स्कूलों में माने जाने वाले आनंदपुर स्कूल में इनकी माताजी पढ़ाती हैं, प्रबंधन का काम देखती हैं। तो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा इनका परिवार रहा है और अशोक नगर ज़िले में या अशोक नगर शहर में कृतिका ने अपनी शिक्षा की है। तारा सदन स्कूल में 2 साल की पढ़ाई करने के बाद जब वो आगे निकली तो अशोक नगर हमेशा उनकी यादों में रहा है। एक लंबी चर्चा के दौरान वो आज भी अशोक नगर का नाम सुनते ही महक उठती हैं। पुराने ख्यालात जैसे ही मन में आते हैं तो बड़े ही सरल अंदाज में बात करती हैं। अब देखिए वो क्या कहती हैं अपने साथ में रहे लोगों के बारे में, इस शहर के बारे में। पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं उनसे। है कुछ भी नहीं, कृतिका कामरा के बारे में बात करने से पहले या उनसे मुलाकात करने से पहले हम आपको बता दें कि कृतिका ने दरअसल जो अपना शुरुआत किया है करियर का वो किस तरह का रहा। अशोक नगर से निकलकर जब दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के लिए पहुंची तो वहीं से उन्होंने इस चीज़ को लेकर शुरुआत की। पहले से किसी भी तरह का कोई एम या उद्देश्य कम से कम एक्टर बनने का तो नहीं था। पढ़ाई के दौरान ही सहसा एक बार उन्हें ऑडिशन देने का मौका मिला और उस ऑडिशन में उनका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन जो हुआ तो इसके बाद उनका करियर रफ्तार पकड़ गया। वर्ष 2008 से लेकर अब तक करीब 9 वर्ष में उन्होंने जिन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में या सीरियलों में काम किया उनमें यहाँ के सिकंदर, दूसरा जो सबसे अच्छा कार्यक्रम था जिसने उनको पहचान दिलाई कितनी मोहब्बत है, इसके बाद प्यार का बंधन उनका एक सीरियल आया, इसके अलावा एक रियलिटी शो जरा नच के दिखावा में भी उन्होंने पहले बार काम किया, इसके बाद गंगा का धीरज और फिर दोबारा कितनी मोहब्बत 2 में भी वो देखने को मिली। झलक दिखला जा डांस से संबंधित कार्यक्रम था जिसमें दूसरी बार वो रियलिटी में रहीं, इसके अलावा एक MTV का बेब था जिसको उन्होंने होस्ट किया था। रिपोर्टर में बहुत ही संजीदा और जुझारू उन्होंने अभिनय का जो है मौका लोगों को दिया था देखने का। इसके अलावा वर्तमान में चंद्रकांता जो कहानी इस समय TV पर आ रही है स्टार प्लस पर, उसमें प्रेम या पहली चंद्रकांता में लीड रोल में है और उम्मीद की जा रही है या माना जा रहा है कि यहाँ से उनके लिए कई दूसरे रास्ते भी खुलेंगे, क्योंकि लीड रोल करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि हम अपने ज़िले की इस होनहार बेटी को या अपने ज़िले के इस ग्लैमरस पर्सनालिटी को बहुत जल्द बड़े पर्दे पर भी देख सकते हैं। हालांकि इसके अलावा उन्होंने कई शॉर्ट मूवी और दूसरी चीज़ों में भी काम किया है जैसे बेस्ट फ्रेंड, माई ड्रीम, फ्रेंड्स जॉन और वाइट सेट उनकी शॉर्ट मूवियाँ रहीं जिनमें उन्होंने अभिनय किया है। इन अभिनयों के अलावा
कृतिका को जिस वजह से लोगों ने पहचाना वो उनके विवादों के कारण भी रही। फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग रहते हैं दुर्भाग्य या सौभाग्यजनक तरीके से विवाद उनका कभी पीछे नहीं छोड़ते, कभी कभी उनका नुकसान भी होता है और कुछ लोगों को प्रसिद्धि भी मिल जाती है। हालांकि कृतिका के साथ जुड़े दोनों तरह के विवाद उनको आगे ले जाने में ही मदद रहे, उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं कर पाए। करण कुंद्रा और सिद्धार्थ ब्रजप्रिया के साथ उनके संबंधों को लेकर इंडस्ट्री में खूब चर्चा हुई, मगर कृतिका ने अपने अभिनय को प्राथमिकता दी और इन चीज़ों से निकल कर बहुत आगे निकल गई हैं। अब कुछ दिन पहले वो अपने अशोकनगर प्रवास पर आईं, अपने घर आईं। उस दौरान अशोकनगर के बहरिया में जो उनका पुराना निवास है या पैतृक घर है वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। देखिए किस तरह की चीज़ें उन्होंने आप लोगों के बारे में बताई, उस दुनिया के बारे में जिसे हम बड़ा ही रुपहला और सुनहरा दौर मानते हैं या दुनिया मानते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं किस तरह से रही। कृतिका से सबसे पहला सवाल ये रहा, क्या उन्होंने पढ़ाई के दौरान ये उद्देश्य बनाया था कि उनको एक्टर बनना है? परिवार में या कोई जान पहचान में कोई ऐसा आदमी था जो इस इंडस्ट्री में पहले से हो, और क्या इसके लिए उन्होंने कोई तैयारी की थी? तो देखिए कृतिका क्या कहती है। मुझे कभी लगा नहीं था, आप जानते हैं मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी न्यूट्रिशनिस्ट है और यहाँ के स्कूल की प्रिंसिपल है, तो हमारे घर में कभी ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं थी कि मैं एक्टर बनूंगी, या मैंने कभी भी उठ के नहीं बोला कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट, मैं उस स्टेज में थी जो हर बच्चा होता ना जब डिसाइड कर रहे होते हैं कि लाइफ में क्या करना है। मैं टेंथ तक मैंने तारसदन में अपना तारसदन स्कूल से मैंने 8th टू 10th किया, उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी। दिल्ली से मैंने अपनी 11th 12th किया, उसके बाद मैं निफ्ट जो कि एक फैशन कॉलेज है दिल्ली में ही वहाँ पढ़ रही थी। एंड चांस की बात है, आपने कृतिका आज एक लंबे इम्तिहान के बाद एक मुकम्मल स्थान पर है, मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई जरा जानते हैं कृतिका। कॉलेज के बाहर मुझे किसी ने जो ना पूछा कि क्या आप एक ऑडिशन लेंगी, तो मैं जानती नहीं थी उस वक्त कि ऑडिशन कैसा होता है। थॉट कि जैसे थिएटर में होता है आप जाते हैं एक इंटरव्यू होता है, बट हियर इट वाज अ प्रॉपर ऑडिशन जहाँ पे कैमरा था सब कुछ था। तो आई जस्ट वेंट फॉर दैट ऑडिशन और एक महीने बाद आई थिंक मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे आ जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से अशोकनगर जैसे बहुत पिछड़े या छोटे शहर से निकलकर एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कई सारी समस्याएं और कठोर मेहनत तो उन्होंने की है, मगर इन सब में परिवार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई बार बच्चे आगे बढ़ने के बाद पीछे इसलिए हो जाते हैं कि उनके चुने करियर में बच्चों का सपोर्ट नहीं करते। क्या कृतिका के साथ भी ये स्थिति रही थी? क्या उनके परिवार ने इसमें अड़चन डालने का प्रयास किया था या उनको शहर से आगे बढ़ने का मौका दिया था? कृतिका खुद क्या कहती हैं इस मुद्दे को लेकर? कभी भी किसी ने मना नहीं किया, बहुत ही सपोर्टिव थे। इनफैक्ट आज तो आई थिंक पापा मम्मी मेरे सबसे बड़े फैंस हैं, वो कोई शो नहीं छोड़ते, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं छोड़ते, सब कुछ उन्हें सब कुछ पता होता है मेरे काम के बारे में, एंड आई थिंक वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बट हाँ, शुरू में एक फेज ज़रूर था जब हम सबको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, कोई भी हमारी फैमिली से इस फील्ड ऑफ वर्क में नहीं है, तो हम नहीं जानते थे कि ये दुनिया कैसी है या क्या है। बट ट्राई करूँगी, अगर यू नो नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगी, अपना कॉलेज फिनिश करूँगी। बट इट जस्ट सो हैपेंड कि एक शो के बाद दूसरा शो मिलता गया और मैं वापस ही आई। कृतिका कामरा टेलीविजन की दुनिया का विस्थापित नाम है और इस स्थापित नाम के साथ उन्होंने इस दुनिया को खूब जिया है, इस दुनिया में काफ़ी लंबा समय उन्होंने निकाला है। अब उनसे पूछते हैं कि आगे के लोगों के लिए क्या इसमें करियर बनाना इतना आसान है जितना उनके लिए रहा? देखिए, स्कोप हर चीज़ में है, अगर आप में वो थोड़ा सा जुनून हो। मैं हमेशा मुझे लगता है कि इस लाइन में वो लोग ज़्यादा अच्छा करते हैं जो काफ़ी पैशनेट होते हैं, और बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। कई बार चीज़ें एक बारी में वर्कआउट नहीं होती, आपको वेट करना पड़ता है काफ़ी देर तक। वो ये शो मिलने से, मतलब शो या फिल्म या जो भी मिलने से, प्रोजेक्ट मिलने से पहले भी और बाद में भी, ऐसा कई बार होता है कि आप घंटों घंटों दिन में वेट करते हैं अपने शॉट के लिए। इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो जिसे भी जिसमें भी वो पेशेंस है और उन्हें लगता है कि यही उनकी ट्रू कॉलिंग है, ये उनका पैशन है, यही वो लाइफ में करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट। कृतिका का अब तक का जो सफर रहा है उसमें चंद्रकांता सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये उपलब्धि और शुरू के अब तक के काम को किस तरह देखती हैं, तो कृतिका कहती हैं कि ये उनके लिए एक सपने जैसा मामला रहा, एक के बाद एक चीज़ें मिलती रहीं और वो यहाँ तक पहुँच गई हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं जब भी कुछ साइन करती हूँ मुझे लगता है कि उस वक्त मेरे पास वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। देखिए, आई थिंक वी आर व्हाट आर चॉइसेस मेक अस। तो हम जब भी
एक शो खत्म होता है उसके बाद जब दूसरे ऑफर्स आना शुरू होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनमें से बेस्ट चीज़ को चूज़ करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो मैंने पहले नहीं किया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करूँ। अगर मेरी एक इमेज बनी है एक शो में तो मैं उसे ब्रेक करके कुछ और कर पाऊँ। तो जब भी वो करते हैं वो एक तरह का एक रिस्क होता है, इट्स लाइक अ गैम्बल। तो बट टच वुड अभी तक ऐसा हुआ है कि ये सारे रिस्क जो मैंने लिए हैं मैं उनसे खुश ही रही हूँ। टीवी के पर्दों पर जो लोग काम करते हैं उनकी ख्वाहिश आखिरी में बड़े पर्दे पर होती है। रुपैले पर्दे का जादू ज़्यादातर कलाकारों को हमेशा से ही अपनी ओर खींचता रहता है, मगर हमारे ज़िले के इस कलाकार को रुपैले पर्दे का इतना ज़्यादा जो है जलवा नहीं दिखता। उसका ये कहना है कि रुपैले पर्दे में बहुत सारी चीज़ें छोटे पर्दे से ज़्यादा होती हैं, मगर कंटेंट के तौर पर वहाँ स्टारडम और यहाँ काम करने में बहुत अंतर होता है। वो अपने काम से संतुष्ट तो हैं मगर बड़े पर्दे पर अगर कभी मौका मिलता है तो उसके लिए भी तैयार देख। कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, आई थिंक अब छोटे पर्दे और बड़े पर्दे में ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है, और एक्टिंग एक्टिंग होती है, चाहे आप वो स्टेज पे करिए, छोटे पर्दे पे करिए या बड़े पर्दे पे। तो मैं बस अपना काम कर रही हूँ एंड अगर वो अप्रिशिएट हो रहा है और सराहा जा रहा है, कभी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है मेरे पास तो आई वुड लव टू डू। रुपैले पर्दे या टीवी में काम करने वाले लोगों के हमेशा ये ड्रीम रहती है कि वो किन कलाकारों के साथ काम करना चाहेंगे या कौन से जो लोग रहेंगे या कौन सी टीम रहेगी जिसके साथ काम करना उनकी अपेक्षा रहती है, ड्रीम रहती है। इस मामले को लेकर भी कृतिका का जवाब कुछ थोड़ा सा अलग रहा। आम कलाकारों की जगह उसका कहना एक संजीदा कलाकार की तरह रहा। कृतिका कहती हैं कि कलाकार की जगह वह काम को पसंद करती हैं और अच्छा काम करने वाले डायरेक्टरों के साथ जरूर काम करना पसंद करें। सॉरी, मेरी एक्चुअली ख्वाहिश कलाकारों से ज़्यादा डायरेक्टर्स के साथ काम करने की है। कुछ बड़े पर्दे के डायरेक्टर्स जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आई थिंक टेलीविजन आपको सब कुछ देता है, फेम, मनी, एवरीथिंग। टेलीविजन भी अपने आप में लोगों को स्टार बना देता है। आप सोशल मीडिया फॉलोइंग देखिए या एंडोर्समेंट्स देखिए, सब कुछ टीवी एक्टर्स कर रहे हैं। जो एक चीज़ है जो टीवी पर हमें, मुझे लगता है जो सिनेमा बेटर करता है वो है स्क्रिप्ट्स और स्टोरीज। आई थिंक आज भी फिल्मों में ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा क्रिएटिव काम होता है। तो अगर मुझे नहीं है तो वो सिर्फ इस वर्ष 2009 से लेकर अब तक का जो उनका सफ़र रहा है उसके लिए उन्होंने कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से काम करने के बाद या पढ़ाई करने के बाद सीधा ये सफ़र उनका शुरू हुआ जो आज तक चलता रहा है। इसको लेकर वो किस बताती हैं कि ये पूरा का पूरा दौर किस तरह से उन्होंने देखा। आपसे सारे ही मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, सबकी अलग अलग एक यूनिकनेस थी। मैं अभी चंद्रकांता कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी कॉस्ट्यूम ड्रामा किया नहीं था, किसी ने मुझे एक प्रॉपर इंडियन अवतार में देखा नहीं था। एक अलग ऑडियंस होती है फैंटेसी, माइथो, पीरियड शो, ओरिएंटेड शोज किए थे। इससे पहले जो मैंने शो किया था उसका नाम था रिपोर्टर्स, जो कि काफ़ी अर्बन शो था, जिसको अगर आप देखें तो वो बहुत ही, वो एक मासी शो नहीं था, वो एक मेन स्ट्रीम शो नहीं था। उसकी टीआरपी कभी भी ऐसे नहीं थी शोज में लोगों को मिलती हूँ, उन्हें लगता है कि वो बहुत ही सेंसिबल इंटेलिजेंट शो था जो काफ़ी हटके था बाकी सास बहू ड्रामा से। उससे पहले जो मैंने शो किया उसमें मैंने एक डॉक्टर प्ले किया था। वो एक कहानी थी, एक लव स्टोरी थी, एक 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 मतलब एक लड़की और एक आदमी जो उनसे डबल है एज में उनके साथ की, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उससे पहले वाला शो आउट एंड आउट यूथ रोमांस वो था। तो एक तरह से हर शो से मुझे लगता है कि एक नई ऑडियंस जुड़ती रहती है। छोटे पर्दे हों या बड़े पर्दे के कलाकार, विवादों से तो लगभग सभी का नाता रहता है। जितनी प्रसिद्धि मिलेंगी विवाद उतने ही साथ रहेंगे। कृतिका के साथ भी यही रहा था। करण कुंद्रा और सिद्धार्थ ब्रजप्रिया के साथ उनके संबंधों को लेकर खूब विवाद हुए, और इन विवादों के बाद की स्थितियां कितनी रहीं, क्या उनके अभिनय पर कोई अंतर पड़ा या इन चीज़ों ने उनको कितना परेशान किया, तो कृतिका कहती है कि ये सामान्य सी चीज़ें रहीं। हाँ, थोड़ा दिक्कत सुनने और कहने को लेकर लगी। नॉट एट ऑल, आई थिंक शुरू में कभी कभी आपको बॉदर करता है जब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत लिखा जाता है या बाकी कुछ, बट धीरे धीरे, बिकॉज यू सी मैंने ये शुरू किया था जब मैं 18 साल की थी, अब इतने सालों बाद अब मैं ऑलमोस्ट बड़ी हुई हूँ टेलीविजन करते करते। तो जब आप बड़े होते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये सब बातें मैटर नहीं करती एंड काम पे तो डेफिनेटली इसका कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, कभी कभी आपको पढ़ के अच्छा नहीं लगता, आप चाहते हैं कि आपके काम के बारे में बात हो, आपके बारे में बात हो, बट कभी कभी कोई नेगेटिव स्टोरी आ जाती है तो अब आदत सी पड़ गई है, इट्स नॉट अ बिग डील। अशोकनगर जैसे सामान्य जिले या परंपरागत परिवार से आने वाली किसी बेटी के साथ अगर इस तरह के विवाद हों जो पहले से किसी भी तरह की इंडस्ट्री से ना जुड़े हों, तो उनके माता पिता की प्रतिक्रियाओं में तल्खी स्वाभाविक है। पर कृतिका बताती हैं कि इन विवादों के बाद भी परिवार ने उनको भरपूर सपोर्ट किया। कभी भी कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं रहा। एक्चुअली वो मुझे जानते हैं, मुझे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अकेले
बॉम्बे भेज दिया ये करने के लिए. तो एज लॉन्ग एज जो लोग मेरे लिए मैटर करते हैं, जो मेरे आसपास है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, जो मुझे जानते हैं, उन्हें सच पता हो, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या दिखता है. अभी आप जिस लेवल पे हैं, एक स्थापित कलाकार होने की स्थिति में है, तो भविष्य के लिए कर ये पूरा कंटिन्यू करने का मूड है कि कुछ फील्ड चेंज करने का है या इसमें कुछ आगे बढ़ने का? देखिए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एक फीमेल एक्टर के लिए कुछ ही साल होते हैं जो उनकी पीक होते हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा एक्टिंग कर सकते हैं. ये कहने की बात नहीं, ये फैक्ट है. तो जितने साल मेरे पास है, मैं ऑब्वियसली उन्हें यूज करना चाहूंगी और यही करना चाहूंगी, बिकॉज भले ही मेरे साथ ये बाय चांस हुआ, बट जब हुआ तो आई फेल इन लव विद एक्टिंग. ये मुझे करने में बहुत मजा आता है. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. मुझे इससे ज़्यादा इन्जॉय मैं कुछ नहीं करती. तो जितना मुझे मौका मिलेगा, मैं यही कंटिन्यू करना चाहूँगी. ऑफकोर्स उसके बाद अगर कभी मौका मिलता है टू ब्रांच आउट इन टू डायरेक्शन या कोई और फिल्म मेकिंग का कोई और एस्पेक्ट, तो वो मैं करूँगी. बट अभी कुछ साल तक, जब तक मुझे चांस मिल रहा है टू प्ले लीड रोल्स, टू डू दीज बिग शोज, आई विल मेक द मोस्ट. कृतिका अभी छोटे पर्दे पर है, वो बड़े पर्दे पर आने में शायद उन्हें अभी समय लगे या उम्मीद है कि आगे कोई उपलब्धि मिल पाए, मगर दोनों के फैन फॉलोअरों को उन्होंने देखा है, दोनों के प्रशंसकों का अंतर समझ में आ गया है. आप देखिए कि टीवी में काम करने वाली कलाकार रुपेले पर्दे या बड़े पर्दे के कलाकारों के प्रशंसकों को मैं क्या अंतर बताती हूँ. कंपैरिजन नहीं है, हम अपने आप को बड़े पर्दे के एक्टर्स से कंपेयर नहीं कर सकते. कुछ चीज़ें उनके पास है. देखिए, बड़े पर्दे के कई एक्टर्स हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिनेमा बॉलीवुड का जो क्रेज़ है हमारी कंट्री में, बॉलीवुड और क्रिकेट का, उसका कोई मैच नहीं है. बट टीवी की रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. जैसे घर घर में लोग आपको अपना सा मानते हैं, आप कहीं भी बाहर जाएँ, एक अलग तरीके का कनेक्ट है आपका. आप काफ़ी, आपको पता भी नहीं चलता जब आप कर रहे होते हैं, पर आप काफ़ी लोगों की जिंदगियों को एक तरह से छू रहे हैं. तो सबकी अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं, और कोई कंपैरिजन नहीं है बिटवीन फिल्म्स एंड टीवी. मैं जिस फील्ड में कर रही हूँ, मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ, उसमें अच्छा करती रहूँ, आई थिंक मेरे लिए इतना बहुत है. फ्रेंड्स को लेके कोई ऐसा कोई अनुभव वगैरह? कई बार हो जाता है, जब एक्चुअली बॉम्बे या जहाँ हम जब काम कर रहे हो तब रियलाइज नहीं होता, पर जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं या जब मैं यहाँ वापस आती हूँ, तो जब मैं देखती हूँ लोगों का क्रेज और उनका प्यार, तो बहुत इनकरेजमेंट मिलती है. आप जो भी करिए, एक एक्टर इसी प्यार के लिए ये सब कुछ करता है. तो आई लाइक द अटेंशन. एंड ऐसा कई बार हुआ है, आई थिंक एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं कुछ तो लोग कहेंगे कर रही थी, तो एक बुजुर्ग आदमी थे जो गोवा में किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, मुझे उनकी फैमिली से फ़ोन आया था. वो मानते थे कि मैं उनकी बेटी हूँ, और उन्होंने खाना छोड़ दिया था, और उनकी उनसे बात कीजिए अगर आप कहेंगी तो वो खाना खा लेंगे. और मैंने उनसे बात की थी, और एंड ही स्टार्टेड ईटिंग अगेन. तो इट वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी, क्योंकि वो मुझे कभी नहीं मिले, मैं उन्हें नहीं जानती, बट उनका ये मानना था कि मैं उनकी बेटी हूँ. तो इस टाइप का जो कनेक्ट है, वो टीवी आपको दे सकता है. ऑल्सो फिल्म्स बहुत मेल डोमिनेटेड, अगर आप देखें तो सब जगह हीरोज की फिल्म्स होती हैं. टेलीविजन ऑन द अदर हैंड बहुत फीमेल ओरिएंटेड है. टेलीविजन में सारी कहानियों के हीरोज औरतें होती हैं. अशोकनगर जिले से कृतिका का खासा लगाव रहा है, पूरी पढ़ाई का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अशोकनगर में निकाला है, और यहाँ उनके शुरुआत के या बचपन के कई सारे मित्र और यादें हैं जो आज भी उनके साथ जुड़े हैं फेसबुक या दूसरी सोशल मीडिया के माध्यम से. देखिए वो उन लोगों के बारे में क्या कहती हैं. देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली जिस जगह से आती हूँ ना, ये अपने आप में ही बहुत ही कमाल की जगह है. मैं कई देशों को घूम के आई हूँ, कई जगह मैंने, मुझे काफ़ी मौका मिला बाहर जाने का, पर जो वैल्यूज़ जो बात इस जगह में है वो कहीं और नहीं है. ये मैं नॉस्टैल्जिया के तौर पे नहीं कह रही, बट ये फैक्ट है कि श्री अनंतपुर और ये जो हमारा कैंपस है, ये अपने आप में बहुत ही सेल्फ सस्टेन्ड और एक उदाहरण के तौर पे ये बहुत ही अच्छा सिटी या टाउन आप इसे कह सकते हैं. तो यहाँ तो कुछ करने का नहीं है. बाकी मेरे मम्मी पापा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक चैरिटेबल संस्था से जुड़े हुए हैं पिछले 31 ईयर्स से. आई थिंक उनसे ज़्यादा तो मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर नहीं पाऊँगी, बट हाँ, अपने तौर पर मैं कुछ अवेयरनेस ज़रूर बढ़ाना चाहूँगी. कल 15 अगस्त को मैं अपने प्राइमरी स्कूल में वापस गई थी, वहाँ मुझे कुछ शब्द बोलने के लिए बुलाया गया था. मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था, और वहाँ भी जाकर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं वापस आके ज़रूर यहाँ पढ़ाना चाहूँगी. अच्छा, चंदेरी साड़ी की ब्रांडिंग को लेकर पूरा बॉलीवुड
में पहले से ही पहल हो चुकी है। करीना कपूर जैसी बड़ी स्टार इसको लेकर बात कर चुकी हैं। जब हमने कृतिका से पूछा कि क्या वो इसकी ब्रांडिंग के लिए काम करेंगी, तो कृतिका का कहना सुनिए। आपको बता दें किस चीज़ की ज़रूरत है। प्लेगरिज्म बहुत ज़्यादा हो चुका है। आई थिंक चंदेरी आजकल बहुत पॉपुलर है। ये मैं कह रही हूँ एज एन एक्टर एंड एज समबडी जो एक फैशन स्कूल में था, मैं हैंडलूम की परख रखती हूँ, मुझे खुद बहुत पसंद है। और आजकल आई थिंक ये साल हैंडलूम के लिए इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने भी नई ड्राइव शुरू की है, हैंडलूम्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, सारे बड़े डिज़ाइनर्स चंदेरी वगैरह खरीद रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि चंदेरी जो बड़े शहरों में बिक रहा है वो चंदेरी नहीं है, वो चंदेरी से नहीं आ रहा है, वो अपने आप बना रहे हैं और उसको चंदेरी के नाम पर बेच रहे हैं। उसे रोकने की जरूरत है और असली रियल चंदेरी को प्रमोट करने की जरूरत है। मैं खुद कल चंदेरी गई थी, मुझे बहुत मजा आता है, पापा लेके गए थे और मैं अपने लिए कुछ चीज़ें लाई हूँ, बाकी लोगों के लिए भी लाई हूँ। तो देखिए एज एन एक्टर, एज एन इन्फ्लुएंसर, स्पेशली आजकल सोशल मीडिया की एज पे जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ वो ये होगा कि मैं उन्हें पहनूँ, क्योंकि हम लोगों को देख कर काफ़ी स्टाइल्स फॉलो होते हैं। तो आई थिंक वहाँ से शुरुआत अच्छी होगी। बट यस, डेफिनेटली ये अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को पता होना चाहिए कि चंदेरी एक्चुअली कहाँ है, कितना खूबसूरत है, कितने महीने लगते हैं एक साड़ी बनने में, क्योंकि जो चंदेरी के नाम पर बिक रहा है इन द मार्केट इज नॉट चंदेरी। चंदेरी की साड़ी की लोकप्रियता कहते हैं कि देश और दुनिया भर में है। और चूंकि मुंबई जैसी माया नगरी में कृतिका काम करती हैं, कई सारी एक्टर्स और दूसरे बड़ी हस्तियों से मिलती रहती हैं, तो हमने उनसे जानना चाहा कि चंदेरी की साड़ी की लोकप्रियता दरअसल इस इंडस्ट्री में कितनी है। सारे डिजाइनर्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग चंदेरी को यूज कर रहे हैं। आप भले फैब इंडिया जाइए, नल्ली जाइए, कई मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, ऐसे कोई बड़े डिजाइनर नहीं जिन्होंने चंदेरी यूज नहीं किया है। बट व्हाट हैपेंस इज जब वो यूज करते हैं तो फिर उनका नाम आता है। वो चीज फिर लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो चंदेरी है, वो चीज़ लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सब्यसाची है। तो ज़रूरत इस बात की है कि चंदेरी को एज चंदेरी अपलिफ्ट किया जाए। उसके लिए हमारे ट्रेडर्स को भी चंदेरी में ये इस बात का ध्यान देना होगा कि वो अपने नाम से चीज़ों को बेचें और आगे बढ़ाएं। और ऑफकोर्स अगर कुछ लोग प्रमोट करेंगे तो लोग ऑथेंटिक चीज़ें क्यों नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मुझे कोई ये मौका दे और अगर मुझे ऐसा कोई इनिशिएटिव हो तो मैं ज़रूर ऐसा करना चाहूँगी। बट अपने अपने अभी अपनी मेरी मेरी लिमिट के अंदर जो मैं कर सकती हूँ फिलहाल वो यही है कि मैं जो यहाँ से लेके गई हूँ चंदेरी वो मैं इवेंट्स में पहनूँ और जब लोग बोले पूछे तो मैं प्राउडली बता सकूँ कि ये रियल चंदेरी है, फ्रॉम चंदेरी। अपने चाहने वाले मित्रों और सुखचंद को साथ प्रशंसकों के लिए कृतिका ने एक संदेश दिया है, जरा सुनिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। कई लोगों के साथ तो मैं बड़ी हुई हूँ और मेरी बहुत सारी यादें और अच्छी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस जगह से। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑल, वो याद करते हैं, बहुत खुशी होती है देखकर कि वो मुझे याद करते हैं एंड दे फील प्राउड ऑफ मी। आई थिंक एक नई मोटिवेशन मिलती है अच्छा काम करने की, जब आपको लगता है कि घर में कोई यू नो आप पे किसी को बहुत गर्व है। सो थैंक यू सो मच।